और चलिए आगे बढ़ते हैं। ठगों के गढ़ जामताड़ा में एसओजी की लेडी सिंघम सीआई सज्जन कंवर ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साइबर ठगी के मामले में जामताड़ा में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। पहली बार जामताड़ा से ठग को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेडी सिंघम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। साइबर अपराधी विकास मंडल गिरफ्तार हुआ है और वही दूसरा ठग कलीम अंसारी अभी तक फरार है, लेकिन शातिर ठग कलीम के घर से पुलिस ने 14 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अभी भी जामताड़ा में आरोपियों की तलाश में एसओजी की टीम जुटी हुई है। आईपीएस के परिवार के सदस्य के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। निमिष गर्ग ने एसओजी में ये पूरा मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई और ये तस्वीरें भी आपके सामने। सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, इस कार्रवाई में अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिएगा, अगर देखा जाए तो ये एक अपने आप में एसओजी की तरफ से सबसे बड़ी कार्रवाई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ठगी की वारदात होती है जामताड़ा। जामताड़ा वो जगह है जो ठगों का एक सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। पूरे देश भर के अंदर यहाँ से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि जब ये मामला दर्ज होता है तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारी सज्जन कंवर नाम की जो सीआई एसओजी के अंदर तैनात है उनको दी जाती है। सज्जन कंवर मौके पर पहुंचती हैं, जामताड़ा के अंदर जाकर रेड मारती हैं, वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार करती हैं। क्योंकि विकास मंडल नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार किया वो सहयोगी था, जो करीम अंसारी जो बताया जा रहा है, मुख्य ठग जो था वो मौके से फरार हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो ठगी की जो राशि थी वो पुलिस एसओजी की जो टीम थी वो बरामद करती है। लगभग वहां से ये बात आ रही है कि 14 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए, एसओजी की जो टीम थी उसने बरामद कर लिए। अन्य आरोपियों की तलाश के अंदर लगातार छापेमारी की जा रही है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान की एसओजी की टीम, वो भी महिला एक अधिकारी मौके पे जाती हैं और जामताड़ा में जाकर एक ठग को गिरफ्तार करती हैं और 14 लाख रुपए की रिकवरी करती हैं, जो कि पीड़ितों से वसूल की गई थी। अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और राजस्थान एसओजी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जियाउद्दीन, निश्चित तौर पर लेडी सिंघम के तौर पर सज्जन कंवर यहाँ नजर आई है, और अब तक इस कार्रवाई में जो खुलासा हुआ है उसके आधार पर क्या किसी और का नाम भी सामने आया है? ठग से पूछताछ की गई होगी, निश्चित तौर पर उसने कुछ नाम भी बताए होंगे। देखिए, अगर बात की जाए ठगों की तो ये जामताड़ा एक अपने आप के अंदर साइबर ठगों का हब है। ये जहां से साइबर ठगी की शुरुआत हुई थी और इसकी कई मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस भी वहां जाने से कतराती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल तरीके से ये ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं, कोई सबूत नहीं छोड़ते। लेकिन एसओजी ने जिस वक्त कार्रवाई की और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि एक ठग को गिरफ्तार किया है, दूसरे ठग की तलाश के अंदर जुटी हुई है और अन्य मामलों के अंदर भी वहां एसओजी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस को जो सफलता हासिल लगी उस ठग को लेकर वो जल्द से जल्द राजस्थान आएंगे और यहाँ लाके उससे पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे गिरोह के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह से लोगों को ये ठगी का शिकार बनाते थे। ऐसी भी बात सामने आई है कि राजस्थान में अब तक ये जो ठग हैं जामताड़ा के, वो हजारों लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। कोरियर भेजने के नाम से, उसके कस्टमर केयर के नाम से, या यूपीआई नंबर के नाम से, या फिर एटीएम कार्ड के जो कोड होते हैं उसको जानने के बाद कई अलग अलग तरीकों से ये वारदातों को अंजाम देते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जब भी पुलिस इनकी वारदात के तरीके को पकड़ लेती है, ये तुरंत उस तरीके को बदल देते हैं और नया वारदात का तरीका ईजाद कर लेते हैं। और इसी के चलते एसओजी ने ये कार्रवाई की। उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान से जुड़े अन्य मामलों का भी खुलासा एसओजी की टीम करेगी। निश्चित तौर पर जांच पड़ताल में कई बड़े खुलासे होंगे। जियाउद्दीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजस्थान पुलिस के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि पिंडारी गांव जो कर्माटार थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर राजस्थान के किसी व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया है, साइबर फ्रॉड हुआ। ये सूचना उपलब्ध कराने पर यहां टीम गठित की गई उसी कर्माटार, उसी साइबर थाना हरिंदर राय और अन्य लोग जो थे उनके द्वारा वहाँ पर कलीम अंसारी जो पिंडारी गांव का रहना था उनके घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान कलीम अंसारी भागने में सफल हुआ। विकास कुमार मंडल जो है उसे गिरफ्तार किया। कलीम अंसारी के घर से 14,03,000 रुपये की बरामदगी हुई है। 8 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, मोबाइल सिम 18 बरामद हुए हैं, 4 पासबुक बरामद हुए हैं, एटीएम कार्ड 4 बरामद हुए हैं, मोबाइल का डिब्बा 3 बरामद हुए। इतने सारे सामानों की बरामदगी हुई है और हाल फिलहाल में साइबर क्लब जितने भी कांड दर्ज हुए हैं, जितने भी कार्रवाई हुई है, उनमें से सबसे बड़ी नकद राशि
ये आज बरामद हुई।